Good morning, dear students. Welcome in Awesome Online Classes. Now today we start chapter number 8, class 7th, Winds, Storms and Cyclones. इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. What you will learn how air exert pressure. कैसे एयर प्रेशर को बताती है, क्या प्रेशर होता है एयर का. इफेक्ट ऑफ एयर वेलोसिटी ऑन एयर प्रेशर, एयर की वेलोसिटी का एयर प्रेशर पर क्या इफेक्ट है. नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ अर्थ, नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग है अर्थ का वो क्या है. थंडर स्टॉर्म एंड आइडियाज ऑफ साइक्लोन एंड टॉर्नाडो, तो थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन और टॉर्नाडो का क्या आइडियाज हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. You must have seen that dry leaves. आपने सूखी पत्तियों को देखा होगा. Dust particles etc. जो धूल के कण हैं उनको are blown away by strong winds. वो एक जगह से दूसरी जगह पर तेज हवाओं से ब्लो करते हैं. Sometimes कभी कभी it rains with fast blowing wind. बहुत तेज हवाओं के साथ अलोंग विथ थंडर एंड लाइटनिंग, बारिश होती है बहुत तेज तो उसके साथ भी थंडर और लाइटनिंग के साथ बहुत तेज ब्लो करते हैं. व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दीज नेचुरल फिनोमिना, क्या रीज़न है इन नेचुरल फिनोमिना के पीछे. येट व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शन ऑफ द अकरेंस ऑफ नेचुरल फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक्स फ्लड्स साइक्लोन्स एसेट्रा, येट वेन जब ये प्रिडिक्शन होते हैं अकरेंस नेचुरल परिवर्तन जैसे अर्थक्वेक है फ्लड है साइक्लोन्स है एसेट्रा, वी स्टिल फाइंड आवर सेल्स ए बिट हेल्पलेस, तो हम किसी की भी हेल्प नहीं कर पाते हैं. वी विल डिस्कस दीज नेचुरल फिनोमिना थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, हम इन नेचुरल फिनोमिना को बहुत सारी एक्टिविटीज से समझ सकते हैं. एयर एक्सर्ट प्रेशर, द डेवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर, जो हमारे चारों तरफ अर्थ के एक एनवलप बना हुआ है एयर का उसको हम कहते हैं एटमोसफियर. एयर हैज वेट, एयर के अंदर वेट होता है. द वेट ऑफ एयर प्रेशर प्रेसेज आवर बॉडी ऑल द टाइम, तो ये वेट होता है एयर का वो हमारी बॉडी को हर समय प्रेस करता रहता है. दिस वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन सरफेस, ये जो वेट है एयर का एक्ट करता है सरफेस पर, कॉजेज एयर प्रेशर, जिसके कारण एयर प्रेशर होता है. एयर प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, तो एयर प्रेशर को हम समझ सकते हैं सर्टेन एक्टिविटीज़ की सहायता के साथ. एक्टिविटी वन, टू शो एयर एक्सर्ट प्रेशर, हमें दिखाना है कि एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड है टम्बलर वाटर स्क्वायर कार्डबोर्ड पीस. मेथड, फिल अप द टम्बलर विद वाटर अप टू द ब्रिम, फिलअप करना है हमें टम्बलर को वाटर के साथ ब्रिम तक. कवर इट विद कार्डबोर्ड पीस, इसको कार्डबोर्ड पीस के साथ हमें कवर करना है. एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, और उसको हमें नीचे की तरफ अपसाइड डाउन की तरफ मूव करना है, टर्न करना है. स्लोली रिमूव योर हैंड, अब धीरे धीरे आप अपना हाथ वहाँ से हटाएं. ऑब्जर्वेशन, कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल, कार्डबोर्ड नहीं गिरता है. एंड वाटर स्टेज इन द ग्लास, और वाटर भी ग्लास में ही रहता है. इनफेरेंस, एयर पुशेज द कार्डबोर्ड, एयर पुश करती है कार्डबोर्ड को अप एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग, और ये नीचे गिरने से इसको रोक लेती है. नाउ एक्टिविटी टू, टू शो एयर एक्सर्ट प्रेशर, इसमें भी हम देखेंगे कि एयर के अंदर प्रेशर कैसे होता है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं 1 लीटर टिन कैन विद
स्क्रूएबल लीड, ट्राइपोड स्टैंड बर्नर, कोल्ड वाटर। मेथड क्या है, पोर ए कप फुल ऑफ वाटर इन द टीन कैन, ये टीन का कैन है, इसमें हमने फुल ऑफ वाटर डाला। हीट द वाटर इज शोन, दिखाया गया है इसको, हीट करेंगे वाटर को। व्हेन द स्टीम कम्स आउट फ्रीली, जब स्टीम इसमें से बाहर आती है, स्टॉप हीटिंग, इसको स्टॉप कर देंगे हीट करना, एंड इमीडिएटली स्क्रू द केप ऑन इट, और स्क्रू करेंगे केप इसके ऊपर। रिमूव द कैन फ्रॉम ट्राई स्टैंड, अब रिमूव कर देंगे केप को ट्राई स्टैंड से, एंड प्लेस इट इन द सिंक विद द हेल्प ऑफ ए थिक टॉवल, टॉवल की हेल्प से उसको सिंक में रखेंगे। पोर कोल्ड वाटर ओवर द टीन कैन, इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, द टीन विल कैन विल गेट डिशेप्ड, उसका शेप चेंज हो गया है। ऑब्जर्वेशन इनिशियली द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द कैन एंड द स्टीम इनसाइड द कैन इज द सेम, शुरुआत में हम देखते हैं कि जो प्रेशर है टीन के बाहर का और अंदर स्टीम का वो दोनों सेम है। दस द कैन कीप्स इट शेप, तब कैन अपने शेप में रहती है। हाउएवर व्हेन द कैन इज केप्ड एंड कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर इट, जब कैन के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, द स्टीम इनसाइड इट सडनली चेंजेस टू वाटर, तो स्टीम उसके अंदर होती है वाटर में चेंज हो जाती है अचानक। दिस इन टर्न कॉजेज ए नियर वैक्यूम इनसाइड द कैन, तो वैक्यूम हो जाता है कैन के अंदर। थस द एयर फ्रॉम आउटसाइड, तो एयर जो होती है आउटसाइड से एक्सर्ट ट्रेमेंडस प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर वो लगाती है, एंड हैंस क्रशेज द कैन, और वो क्रश कर देता है कैन को। नाउ एक्टिविटी 3, टेक 2 सेम साइज बलून, दो सेम साइज के बलून लेंगे एंड फिल देम विद सम अमाउंट ऑफ वाटर, उनको कुछ पानी से भरेंगे। नाउ फिल दीज बलून्स विद एयर, उनको एयर से भरेंगे, एंड टाई लॉन्ग थ्रेड एट देयर माउथ, उन पर लंबा धागा बांध देंगे। हैंग देम ऑन ए वुडन स्टिक 10 सेंटीमीटर, उनके बीच की 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखेंगे और उसको लटका देंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्लो ऑफ एयर बिटवीन 2 बलून्स, अगर हम दोनों के बीच एयर को ब्लो करते हैं तो क्या होगा। व्हाई डू बलून्स कम क्लोजर, क्यों एक दूसरे के पास आ जाते हैं बलून्स। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, क्या आप सीखते हैं इन एक्टिविटीज से। ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन, द बलून्स गेट क्लोजर, वो बलून्स पास पास आते हैं। व्हेन वी ब्लो एयर बिटवीन बलून्स, के बीच में जब एयर ब्लो करते हैं, एयर प्रेशर बिटवीन देम डिक्रीज, तो एयर प्रेशर जो उन दोनों के बीच होता है वो डिक्रीज होता है, एंड आइदर साइड्स प्रेशर पुशेज देम टू गेट क्लोजर, और जो उनके आसपास का प्रेशर होता है वो उनको पास आने के लिए पुश करता है। वी हैव लर्न दैट इफ वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, हमने सीखा है यदि वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे एयर प्रेशर एयर की, एयर प्रेशर डिक्रीज, तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यदि वेलोसिटी एयर की इंक्रीज करते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, ये ब्लोइंग ऑफ एयर बिटवीन 2 बलून्स। द फैक्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो फैक्ट ये है कि एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है, कैन बी अंडरस्टूड बाय मेनी एग्जांपल्स, इसको बहुत सारे एग्जांपल्स से हम समझ सकते हैं। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, पत्तियों का पेड़ से गिरना, इन स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा में, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ मूविंग एयर, मूविंग एयर के प्रेशर के कारण। इफ द स्पीड ऑफ विंड वेरी हाई, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है विंड की, इट कैन इवन अपरूट द ट्रीज, ये पेड़ को भी उखाड़ सकती है। सिमिलरली द फ्लेक्स फ्लटर इन मूविंग एयर, झंडा मूविंग एयर में उड़ रहा है, ड्यू टू द प्रेशर, प्रेशर के कारण, एक्सर्टेड बाई, जो इसके द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है। वाइल रोविंग अ सेल बोट, इट इज ऑलवेज इजियर टू रो इट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड,
जब हमारी बोट को चलाना है हमें, तो उसके जिस डायरेक्शन में एयर ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में अगर चलाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि द एयर एक्सर्ट ए लार्ज प्रेशर, एयर एक्सर्ट करती है बहुत लार्ज प्रेशर ऑन द सेल ऑफ द बोट, बोट के सेल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती। यू मस्ट हैव नोटिस दैट वाइल राइडिंग ए बाइसिकल, आपने नोटिस किया होगा जब आप बाइसिकल चलाते हैं, इफ़ द विंड इज़ ब्लोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बाइसिकल, यदि विंड ब्लो कर रही है अपोजिट साइड में, बाइसिकल के अपोजिट साइड डायरेक्शन में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ड्राइव करना। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि मूविंग एयर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो मूविंग करती है एयर अपोजिट डायरेक्शन से, एक्सर्ट करती है गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा उसका लगता है, इस कारण से उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर, बर्ड भी एयर के प्रेशर के कारण ही उड़ सकते हैं। टेटेज रूफ इज ब्लोन ऑफ बिकॉज ऑफ हाई स्पीड विंड, तो ये भी हाई स्पीड विंड के कारण ही होता है। दिस हैपन्स बिकॉज हाई स्पीड विंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, क्योंकि जहाँ पर हाई प्रेशर, हाई स्पीड के कारण जो विंड है हाई स्पीड की, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण द टेटेज रूफ इज सक्ड अप एंड फाइनली गेट्स ब्लोन अवे, तो टेटेज रूफ जो टीन की रूफ होती है, चद्दर होते हैं लोहे के, उनमें एयर शक हो जाती है और फाइनली वो उड़ भी सकते हैं, वहाँ से ब्लो हो सकते हैं। थस इंक्रीज इन विंड स्पीड इज एसोसिएटेड, तो जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है, एसोसिएटेड बाय डिक्रीज इन एयर प्रेशर, तो वो डिक्रीज करती है एयर के प्रेशर को। द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, जो विंग्स होते हैं पंख एरोप्लेन के, आर डिजाइन इन सच ए वे, इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं दैट एयर अबव देम मूव्स फास्टर, तो एयर जो उनके ऊपर होती है मूव करती है फास्टर देन एयर बिलो देन, उनके नीचे जो एयर होती है उससे। वेन द एरोप्लेन रन्स ऑन द रनवे, जब एरोप्लेन रनवे पर रन करते हैं, इन ऑर्डर टू टेक ऑफ करते हैं, द प्रेशर ऑफ द एयर अबोव इट्स विंग्स बिकम वेरी लेस, तो एयर का प्रेशर उसके विंग्स पर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द प्रेशर बिलो, जो प्रेशर बिलो साइड में होता है उससे कम होता है। इट इज़ द डिफरेंस इन प्रेशर, ये डिफरेंस है प्रेशर में ऑन द विंग्स, विंग्स के ऊपर, विच मेक्स इट टू राइज अप इन द एयर, तो ये उसको ऊपर एयर में उड़ने के लिए सहायता करता है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे पंप्स ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम स्प्रे यूज करते हैं पंप, वो सेम प्रिंसिपल पर काम करता है। वेन वी पंप इट, जब इसको पंप करते हैं, द एयर कम्स आउट ऑफ इट, इससे बाहर आती है एयर एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड पर, दस इन टर्न रिड्यूसेस प्रेशर ओवर द स्मॉल ट्यूब, तो हम रिड्यूस करते हैं प्रेशर को स्मॉल ट्यूब पर, विच इज डिप्ड इन द इंसेक्टिसाइड, जो डिप होती है इंसेक्टिसाइड में, दस द लिक्विड इंसेक्टिसाइड राइजेज अप, तो लिक्विड इंसेक्टिसाइड ऊपर उठता है एंड इज ब्लोन आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे, और ये ब्लो कर दिया जाता है फाइन स्प्रे के फॉर्म में, मतलब स्प्रे जो यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड को, तो उसमें भी एयर का प्रेशर यूज होता है। थैंक यू।